हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। एक बहुत ही कॉमन डाउट जो है आजकल कमेंट सेक्शन में मुझे देखने को मिलता है कि सर 3 ईयर की लॉ अच्छी है कि 5 साल की लॉ अच्छी है, जो डी यू एल एल बी के थ्रू लॉ कर रहे हैं या फिर जो 3 साल की लॉ कर रहे हैं वो ज़्यादा बेटर रहती है, या जो 12th के बाद लॉ करते हैं वो ज़्यादा बेटर होती है। तो इन सब का देखो एक ही जवाब है, वो ये है कि 3 साल के लॉ के लिए ना इंडिया में ऑप्शंस कम है। फिलहाल तो डी यू एक अच्छा कॉलेज था, साथ में बी एच यू भी आप ले सकते हो, बट अभी एन एल एस आई यू भी इसमें एंट्री में आ रहा है। लेकिन अगर तब भी आप कंपेयर करोगे कि 3 साल की लॉ वर्सेस 5 साल की लॉ, तो 5 साल की लॉ में ज्यादा आपको ऑप्शंस मिलेंगे, प्लस ये 12th के बाद होती है तो आपके 1 साल बच जाते हैं। बट एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5 साल की लॉ ही करोगे तो ही जीवन में सफलता मिलेगी। आप सुप्रीम कोर्ट में जितने बड़े वकील दिखेंगे, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम सीएलसी, तो उन्होंने 3 साल की लॉ करी है। इट्स ऑल अबाउट कि 3 साल की लॉ में देखिए आपके पास एक ऑप्शन ये भी आता है कि आप ग्रेजुएशन तक डिसाइड नहीं करते हैं आपको लॉ करना है, फिर आपको लॉ करने की इच्छा होती है तो इट विल बी बेटर।